जागी रहया जुग जुग बची रहया यो दीन यो मासा यो दीन यो मासा जी रहया जागी रहया सबों के भेटने रहया यो दीन यो मासा यो दीन यो मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, आए होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रात का ढोंडाल एक बार फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ढोंडियाल में। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी मॉर्निंग से ही, अभी हो रहा है 7:30। तो अभी मैं उठ चुकी थी, फिर मैंने नहाया, अभी बाल भी गिले हैं, टॉवल लगाया बालों पर। तो दोस्तों आज है 16 अगस्त, तो आज से सावन का जो महीना है वो ख़त्म हो चुका है और अगस्त का महीना मतलब स्टार्ट हो गया है। तो आज है की संक्रांति, तो आज के दिन मतलब घर पे वही पूड़ी पकौड़ी वगैरह मतलब खीर वगैरह जो भी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये भी मतलब त्यौहार ही है एक मतलब हमारा उत्तराखंडी लोगों का। तो वो फिर पहले उनके जो हमारे पितर होते हैं तो उनके लिए रखा जाता है, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे मतलब जो भी है मतलब वो होता है ना चूल्हा होता है उसके ऊपर जो रखा जाता है उनके लिए। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो अभी चलते हैं सीधा किचन में। और हाँ, आज ना घी खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, बोलते हैं कि मतलब जो आज के दिन घी नहीं खाता है वो अगले जन्म में मतलब एक कीड़ा होता है ना गांव में, यहाँ तो पता नहीं क्या होता है लेकिन वैसे गंडेल बोलते हैं कि वो गंडेल बन जाता है। तो आप लोग भी घी ज़रूर खाना आज के दिन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में। तो इस साइड है मेरा बेसन और इस साइड रखी है मैंने खीर, अभी चावल रखे हैं फिलहाल, और इस साइड है ऑयल की कढ़ाई और इसमें है गोभी आलू और प्याज, अभी सपना काट रही है। तो फिलहाल तब तक मैं इनके बना लेती हूँ, ये भी हीट हो ही चुका है लगभग। तो अभी गोभी वाले तो रख दिए हैं, ये देखो तो इस साइड अब मैंने दूध भी रख लिया है खीर में और अब बना रही है सपना यहाँ पे पूरी और पकौड़ी अभी इतनी बन चुकी है। अभी प्याज की बाकी है क्योंकि प्याज में ना फिर पानी वगैरह हो जाता है, तो मैंने सोचा पहले पूरी बना लेते हैं तब बनाएंगे। और अभी ना यहाँ कोई भी नहीं उठा है मम्मी के अलावा, मम्मी तो इधर बैठी हुई है, इसको देखो तो अरे 10 बज गए 10, उठ जा मधुबाला। मधुबाला भी कल आ गई थी, उठ जा। और अभी बन ही रहा है 8, हाँ 8:30 हो गए, वहां से बोल रही है अभी बल 8 भी नहीं बजे बल, इसको बताओ यार घड़ी लेके जाओ इसके मुंह पे, आप टाइम देखो 8:30 जिंदा, 1 मिनट ज्यादा ना कम, उठ जा उठ उठ जा। ये कोई तरीका है सोने का, ये देखो तुम उठ जा। अच्छा मैंने इसको उठाने आते ना तो दोस्त मेरे पे लात मारती है, आज नहीं मारेगी, आज मैंने इसके सामने कैमरा खोला हुआ है ना, उठ जाओ। तो अभी मम्मी ने निकाल लिया है हमारे पितरों के लिए जो यहाँ गैस पे ही रखेंगे, गांव में तो चूल्हे पे रखते हैं, अभी इसमें धूप वगैरह भी जलाएगी मम्मी और पानी का गिलास तो रख दिया है, कह देते टीका वगैरह भी लगान था तो तुमने क्या लगाना। और इस साइड चाय बोल रही है, हे पितृदेव
ये देखो खाने के लिए कैसे आ रही है, बल मम्मी बल खा लो बल पकौड़ी, ये देख पकौड़ी चोर, ये देखो दोस्तों ले गई, इधर ला मेरी पकौड़ी, इधर ला। जागीराया जुग जुग बची रया, यो दीना यो मासा, यो दीना यो मासा, जी रया जागीराया सबों के भेटने रया, यो तो अभी करते हैं नाश्ता, ये है खीर, इधर है पूड़ी पकौड़ी और इस साइड है और भी पकौड़ियाँ। भैया देखो भुक्कड़, इस साइड है घी का डब्बा। हाँ तेरा नहीं है, ये देखो कब से खा रही है, स्टार्टिंग इसका भी खाना खत्म नहीं हुआ। अरे यहाँ पे मुंह चला रही है, मुझे बोले खा पी के कि बस पकौड़ी में बनना नमक कम हो रहा है, गूल गाली। अरे लड़की तो कढ़ाई में ही बैठी हुई है, वो जैसे हिलनी है कि घर में ऐसा और बाहर में ऐसा। तो अभी दोस्तों हमारा काम वगैरह सब कुछ हो चुका है खत्म, मैंने तो सुबह ही नहा लिया था, तो अभी सबने नहा लिया है और काम वगैरह ख़त्म। तो अभी टाइम 12:15 हो गया मेरे ख्याल से, तो अब लंच बनाने का टाइम भी हो चुका है। तो अब आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड कर रही हूँ, आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।